सुबह सुबह का वक्त एकदम जबरदस्त रहता है। और ये रहा हमारा सेक्टर 5 का शहीद पार्क। ये वाले चौक से हमें राइट साइड टर्न लेना है। उम्मीद करते हैं कि ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स ना हो सामने खड़े। अंकल जी जो है मास्क के साथ नजर आ रहे हैं। बाकियों का तो नहीं मालूम, बस खाने पीने के लिए आए इधर। कैसा लगा है भैया सीताफल? 60 रुपए किलो। चलिए शुरू करते हैं आज की इस न्यू ब्लॉग की शुरुआत। व्हाट्सअप यू ब्यूटीफुल पीपल, की हालचाल ना फिर देवांशु मैं अंदर की नमस्कार मी वाला। फिलहाल गाइस अभी वक्त हो रहा है सुबह के 10:20 इस वक्त, और मैं अभी जा रहा हूँ इस वक्त ट्यूशन के लिए। काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ, 10 बजे का टाइमिंग था, निकल रहा हूँ 10:20 पे। तो चलो फिर जल्दी से निकलते ट्यूशन की तरफ। तो तब तक आप लोग मेरे साथ ब्लॉग पे बने रहना, जो भी रहेगा जैसे भी रहेगा आप लोगों को ब्लॉग के दौरान तो पता चल जाएगा। तो चलिए फिर निकलते हैं बिना देर किए। और यहाँ पे अभी किसी ने सुबह के वक्त जो है धान सुखा दिया, क्योंकि धूप अभी मस्त खिली खिली है। बाद में तो कुछ भरोसा नहीं, 2 बजे के बाद जो है ना वेदर चेंज हो जाता है इस वजह से। तो चलो फिर। तो गाइस अभी लाइट कॉल हो चुकी है ना, इस वजह से अभी जो है ना मैं छत ऊपर जाकर ब्लॉग कर रहा था, क्योंकि छत ऊपर ही मुझे जो है ना प्रॉपर लाइट मिलता है शूट करने के लिए। आज तो प्रॉपर जो है मेरा बैंड बजने वाला है, जल्दी से जो है ना समय पे पहुंचना है। ओए रुको। तो गाइस जरा मेरे पीछे देखना, ये रही हमारी स्नो वाइट जो कि एकदम क्लीन एंड क्लियर है। कल ही मैंने जो है इसको वॉशेबल के लिए दिया था, इतनी मिट्टी जमी हुई थी सामने वाले चक्के में भी और पीछे वाले चक्के में भी, इतना गंदा दिख रहा था ना गाड़ी। उसके बाद वॉशेबल के बाद कुछ इस तरह का लुक है। तो फिलहाल निकलते हैं, और नहीं इतनी सारी बात हो जाएगी ना जिसका कोई हिसाब नहीं रहेगा। ट्यूशन तो फिर भूल ही जाओ, आज हमारा लेट होना ही है। हाय हाय हाय, जरा देखो मेरे लेफ्ट साइड क्या देख लिया मैंने, डोसा इडली वड़ा, वाह। सुबह सुबह 10:30 का वक्त है और देख लो क्या क्या देखने को मिल रहा है हमें। सोच रहा था कि नाश्ता करते हुए निकलूं, बट उतना टाइम नहीं है, जल्दी से पहुंचना है। आते आते जो है देखेंगे। ओ भाई साहब, ये राम मंदिर, जय श्री राम। एक हाथ से ड्राइव कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिस्क रहेगा क्योंकि जल्दी जल्दी निकलना है और समय पे जो है पहुंचना है। तनी अभी किस तरह का जो है शॉट मिल रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत तेज धूप है, ऊपर से आंखें भी नहीं खुल रही है व्लॉग करते टाइम। चलिए अब यहाँ से जो है राइट साइड टर्न हो जाते हैं। सुबह सुबह का वक्त एकदम जबरदस्त रहता है, व्लॉग करने में इतना मजा आता है ना जिसका कोई हिसाब नहीं। और ये देखो सीजन चला गया फिर भी जो है गन्ना रस की दुकान देखो खुली हुई है, देख रहे हो, ऑल टाइम रात के 9 बजे तक जो है खुली रहती है। पहले क्रॉस कर लेते हैं, चलो भाई साहब चलो। अब यहाँ से जो है मेरा ट्यूशन एकदम सीधा सीधा पड़ेगा, फिर सामने एक चौक आएगा मरोदा का, वहां से जो है अपने को टर्न लेना है राइट साइड फिर से। और जस्ट मेरे राइट साइड है हमारा चौपाटी सिविक सेंटर है, देखो पूरा चौपाटी है अंदर साइड है। देखो सुबह सुबह का यही प्रॉब्लम रहता है कि जल्दीबाजी में जो है अपन निकलते हैं और ठीक से जो है ना कुछ भी काम नहीं होता। और ये रहा हमारा सेक्टर 5 का शहीद पार्क, जो कि अभी भी क्लोज्ड है, लोग बाहर आके अभी भी जो है ना फोटोशूट करते हैं। पता नहीं, ना जाने कब खुलेगा, लेकिन जिस दिन खुलेगा उस दिन आकर जो है व्लॉग करेंगे और अच्छे से। पिछले बार किए थे, सुबह सुबह का वक्त आया तो मैं और उत्कर्ष आ गए थे एक्सरसाइज करने के लिए, फिर इसके बाद तो टाइम ही नहीं मिला कुछ दिनों के बाद, फिर बंद हो गया था कोरोना के चलते और अभी तक बंद ही है। ओए रुको रुको रुको, ओए मैं नीचे उतर गया रोड से यार, ये गाय लोग भी ना क्या बोलेंगे। ये वाले चौक से हमें राइट साइड टर्न लेना है। उम्मीद करते कि ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स ना हो सामने खड़े, क्योंकि हमेशा जो है ना इस तरफ के एरिया में तैनात रहते हैं। और ये रही हमारी इंडियन लैम्बोर्गिनी, फिर से स्पॉट हो गई मेरे व्लॉग में। अब यहाँ से जो है अपन अंदर साइड टर्न हो जाएंगे। अगर अपन यहाँ से सीधा सीधा जाएंगे तो हमें पड़ेगा मैत्री बाग, उसका भी प्लान करते हैं जल्दी, अंदर जाकर जो है ना जूम में पूरा घूम कर आएंगे। तो गाइस मेरा ट्यूशन आ चुका है जस्ट मेरे सामने, तो आप लोगों को मैं कुछ देर के बाद मिलता हूँ, ओके? तो तब तक जो है ना बने रहना मेरे साथ व्लॉग पे। 2 hours later. तो गाइस मेरी ट्यूशन से जो है छुट्टी हो चुकी है, अब मैं निकल रहा हूँ अपने फ्रेंड के साथ घर की तरफ। ये रहा मेरा फ्रेंड जो कि अपने रूट की तरफ निकल पड़ा है और मैं अपने रूट की तरफ, यानी कि अपने घर की तरफ। तो गाइस यहाँ से जो है हमारा रूट एकदम क्लियर है, थोड़ा सा घूमते फिर उसके बाद जो है घर की तरफ निकलेंगे। वैसे तो शाम का तो मैंने प्लान कर रखा है कि कहाँ जाना है और किधर जाकर जो है शूट करना है। और ऊपर से गाइस आज का मौसम तो एकदम जबरदस्त है, सुबह निकलते वक्त तो इतनी तेज धूप थी
और अभी देख लो पूरा मौसम जो है एकदम ठंडा हो चुका है। मजा आ रहा है इस तरह के मौसम में जो है ना राइड करने का और साथ ही साथ ब्लॉग करने का भी। ऊपर से मेरा मास्क जो है ना एकदम नीचे आ जा रहा है बात करते करते। फिर से देखो तेज धूप निकल आई, ऐसी हो रहा है अभी मौसम का, कभी तेज धूप कभी एकदम डलडल टाइप का मौसम, कभी कभार हो सकता है तो बीच में बारिश भी गिर जाती है क्योंकि ज्यादा अगर उमस होता तो। जिस रूट से होते हुए आए थे ट्यूशन के लिए उसी रूट से जो है जा रहे अपने घर की तरफ, ज्यादा घूमेंगे फिरेंगे नहीं क्योंकि पेट्रोल भी देख रहे हो कितना कम है ऊपर से। और जहां तक मेरा ध्यान जा रहा है ऑडोमीटर भी जो है ना कल परसों जो है ना खराब हो गया था जब मैं गया था रानंद गांव जो है शूटिंग करने के लिए, इसे भी बनवाना है। बस यही है कि थोड़ा सा जो है ना और सर्विस कराना है, यानी कि इंजन ऑयल चेंज कराना है, एयर फिल्टर चेंज कराना है और ग्रीसिंग कराना है, ब्रेक भी एकदम लूज हो गया उसे भी टाइट करना है। ऑल ओवर बहुत सारी चीज़ है ना, छोटी छोटी चीज़ करते करते इतनी सारी चीज़ निकल आती है ना जिसका कोई हिसाब नहीं। और ऊपर से इतने लॉन्ग लॉन्ग टूर पे जो है ना एक्टिवा को मैं लेकर जाता हूँ तो सारा कुछ जो है ना सेफ्टी में ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का, क्योंकि यही एक सहारा है मेरा जो कि जो है मुझे इतना लॉन्ग रूट में लेकर जाता है। अदरवाइज तो मैं साइकिल में तो कवर अप नहीं कर सकता ना इतनी दूर दूर किलोमीटर जाकर। गाइस इस वक्त मैं हूँ अपने घर पे और ट्यूशन से आती साथ जो है मैंने नाश्ता फिनिश कर दिया था, उसके बाद जो है अभी मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसके बाद का जो सीन रहेगा यानी कि 4:30 बजे का जो है मैंने प्लान करा है कि कहाँ जाएंगे घूमने के लिए। वैसे तो मैंने सोच रखा है कि शाम में किधर जाकर जो है व्लॉग शूट करना है, और ऊपर से आज उत्कर्ष नहीं आने वाला, परसों आएगा और वो आज जो है ना किसी काम से रायपुर गया पापा के साथ, इस वजह जो है ना उसने मुझे फोन कॉल करके बता दिया था कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा भाई। तो इस वजह से जो है मेरा आज का जो है व्लॉग कंटिन्यू रहेगा, शाम में देखते किस तरह का जो है व्यू मिलने वाला है। तो तब तक आप लोग मेरे साथ ब्लॉग पे बने रहिएगा, ओके। 2 hours later। तो गाइस अभी बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, घर से नीचे उतर के तो आ गया हूँ और साइकिल बाहर निकाल लिया हूँ लेकिन लॉक नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया, एक साइड से जो है ना पूरा झुक गया नीचे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऊपर उठा के जो है ना लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा, पूरा जाम हो गया ना और साइड से पूरा दरवाजा जो है ना सड़ चुका है, पूरा दीमक लगा हुआ है और एक साइड का हुक भी थोड़ा सा डाउन है, उतना नहीं थोड़ा सा डाउन है, और नीचे जो है ना पेड़ उड़ उग गया ना इस वजह से जो है ना नीचे से भी पकड़ ले रहा है वो, देखो देख रहा वहाँ। अब देखो कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द जो है इसको क्लोज करके अभी बाहर निकलते हैं ब्लॉग बनाने के लिए, ये तो अगर इसी चक्कर में यहाँ रुक गए तो आगे का जो है पार्ट वो शूट नहीं होगा जब तक जो है मैं इसको क्लोज नहीं कर दूँ। तो गाइस गैरेज तो बंद नहीं हुआ फिलहाल, जो है मैं निकल के आ गया हूँ पापा जो है उसे ठीक करे, क्योंकि एक साइड से जो है ना गैरेज झुक गया है नमी के कारण, इस वजह से फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं। और ज़रा देखना हमारे सामने क्या स्पॉट हुई, जीप देख रहे हो, मस्त तगड़ी जीप है, यहाँ से जो अपन अंदर साइड टर्न हो जाएंगे। ओए 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 कैसे चला रहा है गाड़ी देखो। और ज़रा इधर देखना दुर्गा पंडाल जो है ना आधा बन गया है, अभी तो फिलहाल जो है यहाँ पे जो है गरबा तो होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है अपन दर्शन करने आ सकते हैं। अभी तो फिलहाल बाहर से कुछ इसी तरह का लुक है, और जस्ट मेरे बाजू में है ए मार्केट, बाहर से कुछ इस तरह का व्यू है, लेकिन शाम में जो है ना असली व्यू देखने को मिलता है, सब लोग जो है शॉपिंग करने के लिए आते हैं। फिलहाल तो मैंने आज प्लान किया कि आज मैं जाऊंगा सेक्टर 4 साइड, वहां पे जाकर जो है ना थोड़ा सा घूम कर आते हैं। और वो रही सामने R15 माई ड्रीम बाइक स्कूल टाइम की। रुक 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 अंकल, फिलहाल गाइस शाम के वक्त का व्यू कुछ इस तरह है, देख लो आसपास का माहौल 4:30 के बाद, और ये रहा सेक्टर 5 का चौक, और यहाँ से जो है अपन लेफ्ट साइड टर्न हो जाएंगे और वहाँ पे देखो मस्त सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है आई लव भिलाई। अभी तो और ज़्यादा उभर के नज़र आ रहा है क्योंकि पेंट हुआ है शायद, मेरे ख्याल से मेन रोड तरफ का कुछ इस तरह का सीन है, इधर जो है ना ज़्यादा हलचल जो है ना नज़र आती है। और ये देखो ऑटो वाले भाई साहब गलत दिशा से आ रहे हैं, फिलहाल तो सेक्टर 4 जाकर जो है ना घूमने का प्लान है हमारा, पूरा जो स्ट्रीट वाइज घूमेंगे लाइन बाय लाइन, फिर मार्केट घूमेंगे, फिर वहाँ से जो है रिटर्न आ जाएंगे घूमकर। और जस्ट मेरे लेफ्ट साइड है देखो सी मार्केट का दुर्गा पंडाल रोड पॉइंट में, ये भी बनना जो है चालू हो चुका है, 7 तारीख से जो है ना पहले पहले सारा दुर्गा पंडाल जो है कम्प्लीट हो जाएगा, मस्त लुक मिलेगा। और खासकर ये तो रोड पॉइंट में तो और देखने लायक नज़ारा रहेगा, यहाँ भी जो है भीड़ हो जाता है, लेकिन गरबा रहता तो थोड़ा सा ठीक रहता, लेकिन गरबा जो है इसलिए मना कर दिए क्योंकि कोविड के कारण, ज़्यादा भीड़ जो है ना नहीं बढ़ाना है, नॉर्मल सा रहेगा, गिने चुने लोग जो है नज़र आएंगे। और ये लो आप लोगों से बातें करते करते मैं पहुँच गया हूँ सेक्टर 4 के चौक साइड, जल्दी से पहले यहाँ से क्रॉस हो जाते हैं। अब जो है अपन यहाँ से राइट साइड टर्न ले लेंगे, कोई भी कहीं से भी डाल दे रहा है ना गाड़ी दाएं बाएं ना देखकर। मैं जाऊंगा गाइस पहले स्ट्रीट तरफ से होते होते, फिर उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा मार्केट, फिर उसके बाद जो है अंदर एरिया में थोड़ा सा घूमेंगे, फिर बाहर आ जाएंगे साइड से होते होते। और ज़रा इधर देखना स्ट्रीट फूड,
चाट गुपचुप का सेंटर, और जस्ट बाजू में है सेक्टर 5, और वहाँ भी जो है दुर्गा पंडाल बन रहा है, देख रहे हो। सब लोग जो है काम में लगे हुए हैं, जल्द से जल्द जो है 7 तारीख आने से पहले कंप्लीट करना है और दुर्गा माँ को जो है स्थापित करना है। और ये सारे जो है प्राइवेट वर्कर्स काम कंप्लीट होने के बाद अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। अब जो है अपन यहाँ से अंदर साइड टर्न हो जाएंगे। सेक्टर 4 का तो व्यू जबरदस्त है, खासकर नीचे तरफ के क्वार्टर्स सारे जो है सिंगल सिंगल है, 1 BHK 2 BHK टाइप के, देख रहे हो, मस्त। कोई चिंता नहीं, आमने सामने घर है, कुछ दूरी के बाद जो एक पार्क मिलेगा जो जहाँ पे जो है सारे बच्चे खेल रहे होंगे, आई होप सो, क्योंकि मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जो है मेरा इस तरफ आना हो रहा है। वाह यार, ब्यूटीफुल सा घर है, और मौसम भी जो है ना हल्का हल्का ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है, एक तरफ धूप है और एक तरफ जो है डल डल टाइप का मौसम, इसलिए मैं बोल रहा था मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी जो है ना ख़राब हो जाता है। अब यहाँ से जो है अपन अंदर साइड टर्न हो जाएंगे। यहाँ का ओवरऑल व्यू तो देखो यार, ज़बरदस्त है एकदम, खाली खाली रोड है, मस्त। यहाँ पे जो है वॉकिंग कर रहे हैं कुछ लोग, जो है मेरे जैसे साइकिलिंग कर रहे हैं, बढ़िया एकदम शांत सा प्लेस है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। इस तरफ जो है काम चालू हो चुका है पुताई का, है देखो दुर्गा दशहरा दिवाली आने से पहले, और जस्ट मेरे बाजू में है देखो देसी क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल मैच भी चल रहा है, बढ़िया। असली माहौल तो जो है ना हमें ग्राउंड साइड ही मिलता देखने को। फिलहाल अपन और अंदर चलते हैं, और इन लोग जो है ट्यूशन कंप्लीट करके अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। और जस्ट मेरे लेफ्ट साइड है सेक्टर 4 का मार्केट, जो कि यहाँ से जो है चालू हो रहा है। अपन वो मेन रोड तरफ से आने वाले थे, तब जो है ना मार्केट लाइन बाय लाइन दिखाई देता, आप लोगों को मैं सामने से घुमा कर लेके आता हूँ, तब वहाँ से जो है लाइन बाय लाइन दिखाऊंगा मार्केट आपको। अंकल जी जो है मास्क के साथ नजर आ रहे हैं, गिने चुने लोग जो है मास्क वेयर करें, बाकियों का तो नहीं मालूम, बस खाने पीने के लिए आए इधर शाम के वक्त। तो गाइस यहाँ से जो है आप लोगों को अभी मैं मार्केट साइड एरिया घुमाने वाला हूँ, सामने से घूमकर इतना दूर तक मैं आया था। और ये देखो ये रहा सिंधु भवन, सारा जो है ना सेक्टर 4 का भवन जो है ना सामने सामने रोड पॉइंट में, अब यहाँ से जो है ना लाइन बाय लाइन क्लियर नजर आएगा। मैं क्या किया, स्ट्रीट के अंदर से होते हुए आया ना, इस वजह से जो है ना आप लोगों को मैं आखिरी से दिखाते हुए शुरुआत में लेकर आ रहा था, अब लाइन बाय लाइन सब कुछ दिखाऊंगा। ये देखो बालाजी मार्ट, बाहर से कुछ इस तरह का व्यू है मार्ट का, चले अंदर चलो। यहाँ पे सारे ऑटो पार्ट्स है, बनते भी है सारे जो है मैकेनिक शॉप। फिलहाल तो मार्केट का कुछ इसी तरह का व्यू है, एकदम शांत है, और जस्ट मेरे सामने है मार्केट के बीच में देखो मंदिर, बहुत ही प्यारा मंदिर है, देख रहे कुछ इस तरह का मंदिर है मार्केट के बीच में। ये भी जो है डेवलप हो रहा है धीरे धीरे करते करते, यहाँ भी जो है प्रोग्राम है कुछ शायद मेरे ख्याल से, जिस चीज़ की अभी तैयारी चल रही है। फिलहाल यहाँ से जो है अपन अंदर टर्न हो जाते हैं। मैं तो बस आज यूं ही निकल आया घूमने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया इस तरफ जो है ना मेरा आना नहीं हो रहा था, आज फाइनली आना हुआ है। चलिए अब यहाँ से जो है अपन राइट साइड टर्न होते हैं, और थोड़ा जो है ना अंदर साइड घूम कर आते हैं, और शाम के वक्त जो है बच्चे लोग साइकिल चला रहे हैं। और ये रहा सेक्टर 4 का पानी टंकी, दो दो बड़े बड़े पानी टंकी है देख रहे हो, लेकिन वाटर तो क्लियर आता नहीं है, फिर भी जो है ना फिल्टर वाले पानी जो है ना अपन यूज़ कर रहे हैं। एक हाथ से जो है ना पकड़े पकड़े कैमरा को, मेरा हाथ दुख रहा है। फिलहाल ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, मौसम भी जो है ना देखो बिगड़ रहा है धीरे धीरे करते करते, बस बच्चा जो है दादी के साथ बैठा है बाहर। फिलहाल हम जो है ना यहाँ से लेफ्ट साइड टर्न लेके बाहर की तरफ निकलेंगे, और ज़रा यहाँ के क्वार्टर्स तो देख लो, सेम टू सेम हमारे सेक्टर 6 के टाइप के हैं लग रहा है ना। और ये रहा छोटा सा ग्राउंड, जो कि अभी धीरे धीरे करते करते डेवलप हो रहा है, हर कार्य जो है अभी प्रगति पे है, लेकिन मस्त यार ठंडी ठंडी हवा चल रही, मज़ा आ रहा है। यही वाला लास्ट स्ट्रीट है, यहाँ से जो है अपन राइट साइड कट के मेन रोड के पास पहुँच जाएंगे। तो गाइस ज़रा यहाँ का रूट तो देखना, बाहर निकलने का मस्त सा ना एकदम शॉर्ट सा है, इधर से भी रास्ता है और इधर से भी, क्योंकि हम निकलेंगे पार्क के बीच से होते हुए, वहाँ से हमको आना था मतलब वाले रूट से। फिलहाल कोई बात नहीं, यहाँ से भी जो है घूमते हुए निकलते हैं। अब अपन जो है आ चुके हैं मेन रोड में, अब यहाँ से जो है हमारा रूट एकदम क्लियर है, सीधा सीधा जाना है। होए होए होए, मेरी प्यारी गाड़ी यामा RX 100, आजकल दिखती बहुत कम है। और ये लो अपन पहुंच गए हैं चौक साइड, अब यहाँ से जो है अपन लेफ्ट साइड टर्न ले लेंगे अपने सेक्टर की तरफ जाने के लिए। और जरा इधर देखना सीताफल, वाह 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 वाह, कैसा लगा है भैया सीताफल? 60 रुपये किलो, अभी शुरुआत है करके इतना, अभी धीरे धीरे कम होगा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, 60 रुपये किलो। ये क्या देख रहा हूँ मैं, ओए होए होए, हर ठेले में जो है सीताफल नज़र आ रहा है। ये रहा एक और एक चौक आ गया, वो एक पहला चौक था, ये दूसरा चौक है। फिलहाल यहाँ से जल्दी से पहले क्रॉस हो जाते, सही बता रहा हूँ गाइस, साइकिल में जो है ना पूरा बैंड बच जाता है, एक हाथ से जो है ब्लॉक करते करते कुछ इस तरह, ये देखो। और ये आ गया चौक, यहीं से जो है अपन होकर जो है सीधा सीधा निकले थे सेक्टर 4 स्ट्रीट की तरफ, अब यहीं से जो है वापस लौट रहे अपने घर की तरफ। चलो 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 जल्दी से पहले क्रॉस हो जाते हैं यार। ओए होए भेल, बढ़िया, रुक जा रुक जा रुक जा, पहले क्रॉस हो जाने दो।
और शाम के वक्त है देखो दीदी लोग जो है वॉकिंग कर रहे हैं बढ़िया मेन रोड साइड में। तो गाइस आप लोगों से बातें करते करते मैं पहुंच गया हूं सेक्टर 5 चौक की तरफ, यहीं पे है हमारा एंडिंग पॉइंट। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो इसी के साथ आज के इस ब्लॉग पे बस इतना ही। दिस इज दिमागजू साइनिंग ऑफ, आप लोग को मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग पे। सब्सक्राइब टू माई चैनल, तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।